तो ये फोन आता है प्लास्टिक बैग के साथ। व्हाट, इस बार तो पोको ने मन बिल्कुल उदास सा कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुमित, आप देख रहे हैं टेक विद सैम। स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री के बारे में। दोस्तों इसका जो पिछला वेरिएंट आया था, मतलब पिछला वर्जन आया था पोको एक्स टू, उसने तो कमाल परफॉर्मेंस किया था इंडिया में, बहुत ही अच्छा फ़ोन साबित हुआ था वो इंडिया में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी के बड़े भाई, उसी के सक्सेसर पोको एक्स थ्री के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों परफॉर्मेंस में कोई मेजर अपडेट तो नहीं कह सकते, उसमें था 730G, इसमें आपको मिल जाता है 732G। तो हाँ, प्रोसेसर तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इस प्रोसेसर पे आप हाई एंड ग्राफिक्स गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं, बिल्कुल ही हाई सेटिंग पे भी आप गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही ठीक ठाक अच्छा आपको मिल जाता है। और दोस्तों बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.67 इंच की वही FHD प्लस की IPS LCD विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में तो मुझे लगता है कोई खास फर्क नहीं किया है पोको एक्स टू से, तो दोस्तों डिस्प्ले भी आपको लगभग सेम आपको मिली जाती है वही वाली। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो दोस्तों इस बार आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 वाला सेंसर, और दूसरा आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और वही 2-2 मेगापिक्सल के आपको मिल जाते हैं मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर। और दोस्तों आपको सेल्फी मिलती है इस बार 20 मेगापिक्सल की सिंगल कैमरा है इस बार फ्रेंड, उस बार आपको डुअल कैमरा मिलता था। दोस्तों यही है इसका कैमरा में आप मैक्सिमम 4K वीडियो तक निकाल सकते हैं बैक में, और आपको 1080p पे वीडियो जब निकालेंगे तो आपको EIS मिलेगी बैक में, और 4K में नहीं मिलेगी। और दोस्तों फ्रंट में आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो निकाल सकते हैं विद EIS जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ये मिल जाता है आपको इसका कैमरा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इस बार आपको बैटरी में थोड़ा अपडेट आपको मिल जाता है, और चार्जिंग में भी आपको अपडेट मिल जाता है। इस बार आपको बैटरी मिलती है 6000 mAh की विथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, पिछली बार आपको 27 वाट की चार्जिंग दी गई थी पोको X2 में। तो दोस्तों इस बार बैटरी में अपडेट किया है पोको ने। और दोस्तों बाकी के फीचर्स की बात करें तो वही आपको सेम पोको X2 की तरीके मिल जाते हैं, UFS 2.1 का स्टोरेज, LPDDR4S की रैम। और दोस्तों लेकिन इस बार इसका जो डिज़ाइन कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा कर दी, पॉली कार्बोनेट का बैग दे दिया पीछे, पोको X2 में ग्लास बैग था पता नहीं क्यों। दोस्तों ये तो बहुत मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि पॉली कार्बोनेट में स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी आते हैं, हालांकि बैक केस आप यूज़ करेंगे तो उतनी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन स्क्रैचेस तो आते हैं फिर भी। दोस्तों ये इसका एक डाउनग्रेड है मेरे हिसाब से। और दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो 17000 रुपये में जो इसका बेस वेरियंट निकल के आया है तो प्राइस तो ठीक है, हालांकि 15 तक होता तो और अच्छा होता जिस हिसाब से ये फीचर्स हैं इसके, तो दोस्तों लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि इस बार पोको किसी का भी ब्रांड तो नहीं आया कम से कम, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये फ़ोन अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुश रखिए, जय हिंद जय भारत।